वन प्लस ने इस बार ये सोचा कि जितने भी डीजे कान में ठूस के चलना चाहते हैं उनके लिए एक नेक बैंड बनाया जाए, तो उन्होंने बनाया वन प्लस वायरलेस Z2। हमें बेस एडिशन कहा, इसे भी हटा दिए भाई साहब, नाम जो है ये असली बेस एडिशन है। समझ रहे हो? फुल स्पीड पे जो है फैन चल रहा है और यहाँ पे एसी भी चल रही है। यार यहाँ पे कुछ चीजें बहुत गौर करने लायक है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो लेटेंसी है वो सिर्फ वन प्लस के कुछ सेलेक्टेड फोन्स पर ही ऑन होंगी, जो कि 94 ms तक जाएंगी। यहाँ पे हम रियलमी फोन पे भी जो है ट्राई करेंगे कि लेटेंसी कैसा परफॉर्म कर रही है गेमिंग वगैरह पे। और भाई यहाँ पे 5.0 ब्लूटूथ देखने को मिलता है 2022 में। इसके पहले ओप्पो इनको M32 में भी हमने ये चीज देखी थी, तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है उसका। तो अच्छा था भाई, लेकिन 2000 में सुनने में नहीं अच्छा लगता ना। बाकी यहाँ पे जो लोग नए हैं चैनल पे वो जान लो कि जितने भी प्रोडक्ट हम अपने चैनल पर रिव्यू करते हैं ना, खुद अपने पैसों से बाय करके रिव्यू करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी बायस नहीं होने वाला है। एकदम जेन्युइन आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है आपके लिए। और हाँ, यहाँ पे हमने करीब 13 से 15 पॉइंट जो है लिख रखे हैं और एकदम डिटेल में कवर करेंगे इसको। तो यार वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन टाइमलाइन बनाते हैं हम अपनी हर एक वीडियो में, तो जो नीड आपको हो वहां पे जाके आप देख लेना, और अगर एकदम अच्छे से जानना है तो पूरी वीडियो जरूर देखना। तो चलो यार यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इनके लुक्स एंड फील से। यार फर्स्ट इंप्रेशन की अगर बात कर रहे ना, ऑसम था एकदम। वन प्लस की एक तो पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, 2000 रुपए में आपको लगता है एकदम कहां से 5-6 हजार की जो है प्रोडक्ट पकड़ा दिया हो। यार लुक एंड फील तो एकदम जबरदस्त है, चाहे आप गले में टांग के घूमो चाहे आप कोई हाथ मिले, ये फीलिंग जो है ना प्रीमियम वाली ही देता है। समझ रहे हो यार? अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो नेक साइड एकदम जो है सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया जैसे पहले था, और यहाँ पे कैप्सूल की डिजाइन थोड़ी सी चेंज हुई है, थोड़ा सा चौड़ा हुआ है लेकिन पतला भी हुआ है। अगर जॉइंट्स की बात कर लें तो एकदम नीट एंड क्लीन फिनिशिंग के साथ आता है, यानी 2000 में एक जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। वहीं वायर की क्वालिटी की बात कर लें, हल्का सा यहाँ पे टेक्सचर देखने को मिलता है और वायर काफी अच्छा लगा है, और पिछले वाले से थोड़ा सा ये मोटा भी हुआ है। अगर बटन्स की बात कर लें तो सेम एज इट इज जैसे पहले थी वैसे ही है, और यहाँ पे प्लस माइनस का बटन दिख जाता है, मल्टी फंक्शन बटन, और यहाँ पे देखो आप माइक होल दिख जाता है, और ये जबरदस्त नॉइस कैंसिलेशन करता है। यार पूरा टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग जो कि भैया पेंटेड नहीं है, छूटेगी नहीं। और यहाँ पे ओपन टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है जैसे पहले भी देखने को मिलता था वन प्लस में। बाकी ईयर टिप्स देख सकते हो यार, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है। और यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दो, ईयर टिप्स पे ही जो है एक जाली बनी हुई है, और इसके बनने का कारण भाई यही समझ में आता है कि डस्ट यहाँ तक आसानी से ना जाए, वो हाई क्वालिटी ऑडियो मिलती रहे हमेशा। बाकी मैग्नेटिक पावर की बात कर लें तो वो भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है और आपको निराश नहीं करेगा। और वहीं बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी प्योर प्लास्टिक है लेकिन काफी अच्छी है, और इधर मैट ब्लैक देखने को मिल जाता है, और इधर साइनिंग पियानो ब्लैक देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लग रहा है यार। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी हमें यार जबरदस्त लगी है वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 की। बाकी भाई यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशंस बॉक्स के ऊपर नहीं दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखा दे रहे हैं वन प्लस वायरलेस Z2 के स्पेसिफिकेशंस, पॉज करके पढ़ लेना आप लोग। बाकी जो मेन हाइलाइट्स है इस नेक बैंड की वो है भाई 10 मिनट 20 घंटे की बैटरी लाइफ और 12.4 mm के ड्राइवर्स। सब कैसे परफॉर्म करते हैं पूरा वीडियो में बताएंगे इन डिटेल। इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट अगर बात कर ले तो चाहे यार आप लगातार दिन भर बैठ के यूज कर लो, चाहे लेट कर यूज कर लो, कहीं पे भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली इस नेक बैंड से। इवन हमने जो है इसको पहन के हेलमेट वगैरह ट्राई किए पहन करके, उसमें कैसा रहता है कंफर्ट, तो यार कंफर्ट लेवल बढ़िया है इसका। बाकी इन ईयर फिट की बात कर ले तो वो टेस्ट करके दिखाई देते हैं। तो यार इन ईयर फिट टेस्ट जो है आप लोगों ने देख लिया, जबरदस्त है यार। यानी आप रनिंग वगैरह के लिए, जॉगिंग वगैरह के लिए, हार्डकोर अगर जिम वगैरह करना है, बिंदास इसको जो है प्रिफर कर सकते हो भाई, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा अंडर 2K। तो यार ब्लूटूथ के परफॉर्मेंस की बात कर ले, 5.0 देखने को मिलता है आज के टाइम पे।
लेकिन यार 10 मीटर तक कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप मोबाइल से दूर हो तो। लेकिन अगर बीच में दिवाली वाला आ गए तो दिक्कतें आनी तय है। लेकिन जैसे ही आप वापस जाते हो तो पेयर हो जाता है। और ये जो फास्ट पेयर वाली टेक्नोलॉजी है इसकी, वो वन प्लस फोन के साथ है। हालांकि हमने रियलमी के साथ सैमसंग का टेस्ट किया तो ऐसा कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं हुई है। और वहीं पे अगर कोडैक की बात कर ले तो यार एसी कोडैक देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि ठीक परफॉर्म करता है। बाकी बटन्स एंड फीचर्स आपको बता देते हैं इसके। यार यहाँ बटन फीचर्स की बात कर रहे हैं तो मेन यही है, अगर इसको आप प्ले करते हो तो गाना प्ले होगा, अगर इसी को दबाते हो तो गाना पॉज होगा, और इसी से आपका ट्रैक भी चेंज होगा। 1 2 3 ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा अगर 3 बार आप दबाते हो, और अगर 2 बार दबाते हो तो आपका नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा। और वहीं पे आती हुई कॉल आपको काटना है तो थोड़ा देर तक दबाओगे तो आती हुई कॉल कट जाएगी। नॉर्मल भी जो है आपको कॉल इसी से उठाना है, इसी से काटना है। और गूगल असिस्टेंट के लिए भी ये बटन वर्क करता है, क्योंकि फिलहाल हमारे फ़ोन पे तो वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर बैटरी लाइफ वगैरह की बात कर ले यार, तो ब्रांड जो है फुल चार्जिंग पे 30 आवर्स की बैटरी बैकअप क्लेम करता है। लेकिन ये जितने भी क्लेम है ना, ये 50% वॉल्यूम पर क्लेम करते हैं, बता दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो 50% वॉल्यूम पर आपको सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, ऐसा ब्रांड का कहना है। और फुल चार्ज कितने देर में होगा ब्रांड ने कहीं पे भी नहीं बताया है, इवन बुकलेट वगैरह और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग बहुत तगड़ी देखने को मिलती है यार, 10 मिनट में 20 घंटे, जो कि फिनोमिनल है। लेकिन ये भी 50% वॉल्यूम पर ही है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर यूज करना है, उस पर आपको ये बैटरी बैकअप मिलेगा। और ये जो चार्जिंग टेस्ट वगैरह है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे किए गए हैं, ब्रांड ने बता दिया है। तो यानी अगर आप हाई टेम्परेचर चार्जिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है इसकी बैटरी लाइफ। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कवर कर लेते हैं। सब्सक्राइब किए कि नहीं भाई, कर लो। और हाँ, यहाँ पे अगर नेक बैंड को आप फुल चार्ज करके छोड़ देते हो तो भाई 80 घंटे तक आप इसको विदाउट चार्ज जो है रख सकते हो, उसके बाद इसकी बैटरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। स्टैंड बाई मोड की बात कर रहे थे। तो यार ये आप आवाज हमारी सुन रहे हो OnePlus के वायरलेस Z2 से। अभी हमने कोई भी फैन वैन नहीं ऑन किया हुआ है, तो आप इसकी वॉइस क्वालिटी जज कर लो कैसी है। अभी आपको हम जो है फैन वैन ऑन करके जो है सुनाते हैं कैसी है इसकी नॉइस कैंसिलेशन। तब तक यार चैनल पर अगर नए होना सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, शेयर कर दो उन लोग को जो लोग इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। चलो भैया फैन वैन ऑन कर लिया जाए। तो यार यहाँ पे माइक का नॉइस कैंसिलेशन चेक कर रहे हैं हम, फुल स्पीड पे जो है फैन चल रहा है और यहाँ पे एसी भी चल रही है और इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है ये आवाज। तो यार खुद ही जज कर लो कैसा है इसका नॉइस कैंसिलेशन। और अभी हमने इसके पहले भी टेस्ट किया हुआ है तो हमें तो काफी सही लग रहा था यार, प्राइस के हिसाब से कसम से मान के भाई OnePlus। वही LED इंडिकेशन की बात कर ले भाई, तो यहाँ पे जैसे ही आप चार्जिंग कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइट जल जाएगी, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। और जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये रेड लाइट व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं पे अगर इसकी लेटेंसी की बात कर लें तो यार अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, वीडियो कॉल्स करनी है, ऑफिस मीटिंग वगैरह करनी है तो कहीं पे भी आपको लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है ये नेक बैंड। और ये हमने जो है सैमसंग और रियलमी के फोन पे ट्राई किया हुआ है उसके बाद बता रहे हैं। और वहीं मूवी एक्सपीरियंस की बात कर लें तो यार हमने काफी देर तक देखा था इसमें और कहीं पे भी हमें दिक्कत नहीं आई कि लिप्स मैच नहीं हो रहे, ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका यार। तो अगर यार गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर ले तो यहाँ पे आप खुद जज कर लो गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो भले ही इसमें कोई लेटेंसी मोड नहीं दिया हुआ है लेकिन आप थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। तो यार अभी साउंड टेस्ट कर रहे थे, सुन रहे थे गाने यार, रोमांटिक सॉन्ग डीजे सॉन्ग सब सुन डाले भाई साहब। डीजे और लास्ट में सुने जैसे लग रहा था कान से खूनी फेंक देगा भाई। मतलब OnePlus ने इस बार ये सोचा कि जितने भी डीजे कान में ठूस के चलना चाहते हैं उनके लिए एक नेक बैंड बनाया जाए, तो उन्होंने बनाया OnePlus वायरलेस Z2। हमें बेस एडिशन कहा इसे हटा दिए भाई साहब, नाम जो है ये असली बेस एडिशन है। समझ रहे हो, पुराना वाला जो है एक बैलेंस्ड ऑडियो वाला नेक बैंड था भाई, इसमें बैलेंस साउंड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब खराब नहीं हम कहेंगे, 30% वॉल्यूम या 40% वॉल्यूम पर सुनते हो तो वहां पर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर भी आपको बेस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है दूसरे नेक बैंड से मुकाबले। और जब फुल वॉल्यूम पे सुनते हो ना भाई, बता रहे हैं अगर ऑर्डर कियो सबसे पहले डीजे वाला गाना सुन लेना, कोई कसम से लगेगा कान के पर्दे फट गए आज।
बहुत जबरदस्त बेस डाल दी है यार। जिनको बेस भरा गाना सुनना पसंद है ना, उनके लिए तो यार एकदम सोने पे सुहागा वाला नेक बैंड आ गया है। मोस्टली ये बेस हैवी सॉन्ग जिनको पसंद है ना, उनके लिए नेक बैंड भाई बनाया गया है। यार यहाँ पे साउंड क्वालिटी में चीज और ऐड करना चाहेंगे कि जो बाहर की नॉइज होती है ना, वो एकदम खत्म कर देता है ये नेक बैंड जब हम गाने सुनते हैं। बहुत ही मतलब एकदम कैंसिल कर देता है, कुछ आवाज ही नहीं आती बाहर की। तो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है यार, किसी के लिए बुरा भी, तो अपने ऊपर है भैया, जज कर लेना। ओवरऑल साउंड क्वालिटी जो है, जो लोग वोकल सुनना चाहते हैं है ना, जो लोग क्लासिकल गाना सुनना चाहते हैं वो लोग इसको ना ले भाई। जो लोग एक बेस हैवी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं वही इस नेक बैंड को ले, और साथ में यहाँ पे आपको थोड़ी सी झनकार की भी ट्यूनिंग लगेगी। तो यार अंडर 2000 अगर आप कोई एक दी बेस्ट बेस हैवी वाला नेक बैंड ढूंढ रहे हो ना, तो इससे बेस्ट कोई ना मिलेगा। अब 12.4 mm ड्राइवर के साथ जबरदस्त बेस निकाला भाई OnePlus ने, मान गए भाई साहब। तो यार फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ रहे हैं साउंड क्वालिटी से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे वीकेस्ट अगर पॉइंट की बात कर ले हम, तो यहाँ पे यार 5.0 जो आज के टाइम पे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। और अंडर 2000 अगर आप कोई नेक बैंड लॉन्च कर रहे हो तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड दे देना चाहिए, क्योंकि अंडर 1000 साला 1200 में भी गेमिंग वाला कॉम्पिटिशन चल रहा है MS वाला। और यहाँ पे जो है 94 MS दे रहे हो, वो भी जो है OnePlus के सिलेक्टेड फोन पे, मतलब 6 सीरीज या फिर उसके ऊपर वाले फोन पे वो ऑन होगा, ये तो सही नहीं लगा ना यार। और यहाँ पे एक चीज और बहुत खराब लगी है यार, डुअल पेयरिंग देखने को नहीं मिलता है इस नेक बैंड में, और इस प्राइस में डुअल पेयरिंग ना हो ये अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने जो है, जो इनका पहला नेक बैंड लॉन्च हुआ था उसमें डुअल पेयरिंग भी दिया था और उसके लिए डेडिकेटेड बटन भी दिया था। उसके बाद बेस एडिशन आया, उसमें उन्होंने हटा दिया बटन को, लेकिन डुअल पेयरिंग था कहीं ना कहीं, और इसमें तो जो है भैया वो ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ पे उसको वीकेस्ट कहो चाहे बढ़िया कहो, तो उनके लिए वीकेस्ट है जिनको एकदम सिर्फ बेस से बेस नहीं चाहिए है ना, पूरा एकदम बढ़िया बैलेंस ऑडियो चाहिए। और OnePlus का वो इंतजार कर रहे थे Z2 का, कि यार अभी Z बेस एडिशन आया था, बहुत ही बढ़िया ट्यूनिंग थी उसकी, बेस के साथ भी जो है बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट थे वो काफी क्लियर सुनाई देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भाई, बेस हर एक चीज को दाबता है। और यहाँ पे OnePlus ने एक चीज और किया है, देखो यार Amazon पे जो पुराना वाला नेक बैंड था उसी में इसको अपडेट कर दिया। रिव्यू देखो 1 लाख पड़े हैं भैया, 1 लाख कैसे पड़ेंगे हैं, अभी लॉन्च हुए साला 5 तारीख को लॉन्च हुआ और 1 लाख रिव्यू पड़ जाएंगे, सही नहीं किया OnePlus, थोड़ा अलग से इसको जो है रिव्यू करवाना था ना। बाकी एकदम डिटेल में आप लोग को बता दिए यार, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन खुला है, हर एक कमेंट का जवाब देते हैं और आपका भी देंगे। बाकी इसका कंपैरिजन किस किस के साथ चाहते हो यार, हर एक नेक बैंड का बढ़िया नाम बता देना नीचे, बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो लाने वाले हैं। तो यार चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन लोग को जो इस टाइप के वीडियोस देखते हैं। बाकी लाइक जरूर कर देना यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है हमें इस तरह के सच्चे और अच्छे कंटेंट लाने में। और फिर से बता रहे हैं यार, ये सारे प्रोडक्ट खुद अपने पैसे से बाय करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं होने वाला है, सब एकदम जो है प्योर सच है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और अच्छे कॉन्टेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।